पिछले 1.5 महीने और साल भर में दूसरी बार लॉकडाउन का दंश झेल रहे व्यापारी वर्ग अब विद्रोह के स्वर में मुखर हो रहा है। ताजा मामला बूंदी में नायब तहसीलदार कुणाल अवासिया की गाड़ी को माता चौक मंदिर स्थित रोड पर व्यापारियों में घेरने का आया है, जिसमें कपड़ा व्यापारी, अन्य व्यापारी जिनकी दुकानें अभी छूट में शामिल नहीं हुई है, उन सभी ने 500 से ज़्यादा की तादाद में एकत्रित होकर नायब तहसीलदार का घेराव किया। और व्यापारियों का कहना था कि जब किराना दुकान, मोबाइल दुकान, खाद बीज दुकान, फल सब्जी की दुकानों पर छूट दी गई है, तो हमें अपनी दुकान खोलने की छूट मिलनी चाहिए। अब हम अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते। व्यापारियों का विरोध देख नायब तहसीलदार भी सकते में आ गए। वहीं व्यापारियों के मुखर होने से स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। लॉकडाउन में अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए व्यापारी वर्गों को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानें बंद है और कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, उसके बाद घर का गुजर बसर किस तरीके से हो रहा है, यह बड़ी सोचने वाली बात है। नायब तहसीलदार ने मौके पर कहा कि यह सब ऊपर से आदेश आएगा तभी सब हो पाएगा। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।